अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। क्लास टू, आई एम योर साइंस सब्जेक्ट टीचर सदफ जमान एंड दिस इज़ योर साइंस बुक। और इससे जो है हम आज आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीडिंग का। And today's topic of discussion is basically it is your new chapter animal and unit 5 animal, and in this we will start topic special body parts. So learning objective: at the end of this lesson you students will be able to learn that animals live on land, in water, and some can fly. Also you will be able to learn that animals have special body parts that are used in different ways. Okay, so this is your new unit 5 animals. अब इसमें जो है हम animals के बारे में read करेंगे कि आया animals जो हैं वो जो हैं ज़मीन पर भी रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, बहुत से एनिमल्स जो है वो क्या है ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड एंड सम लाइक फिश लिव इन वाटर, कुछ जो हैं वो क्या है ज़मीन पर पाए जाते हैं और कुछ जैसे कि मछली वो कहाँ रहती है पानी में रहती है। सम इंसेक्ट्स लिव इन द ग्रास, कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं घास में, घास फूस वगैरह में, यानी जो उस घास में पाए जाते हैं। एंड मैनी कैन फ्लाई, और बहुत से कीड़े मकोड़े क्या होते हैं उड़ सकते हैं, यानी वो हवा में पाए जाते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज, परिंदे जो हैं वो अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं दरख्तों पर बनाते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट वेज, जानवर जो होते हैं ना वो कहाँ मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से रहते हैं। As you can see in this picture that fish live in water, scorpion, crab, ये सब जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं पानी में। इसके अलावा आप परिंदों को देख रहे हैं, परिंदे कहाँ बनाते हैं अपने घोंसले दरख्तों पर, सही। कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कि ये तितलियाँ हैं, ये जब कि तितलियाँ क्या है असल में कीड़े मकोड़ों में ही आती हैं, ये छोटे छोटे जब कीड़े होते हैं और फिर बड़े होते हैं तो तितलियाँ बन जाती हैं, ये जो है क्या है हवा में आराम से उड़ सकते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े क्या घास फूस में पाए जाते हैं, जैसे कि चींटियाँ हो गई और दूसरे कीड़े मकोड़े, तो वो घास फूस में पाए जाते हैं, और कुछ कहाँ होते हैं हवा में होते हैं, सही। तो इस तरह से आपको बताया गया है कि जो हैवान होते हैं यानी जानवर वो क्या हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, ठीक है। स्पेशल बॉडी पार्ट्स, कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके पास मखसूस बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प देम लिव, फाइंड फूड एंड मूव। एनिमल्स जो होते हैं ना उनके पास स्पेशल या एक डिफरेंट टाइप का बॉडी पार्ट होता है, वो क्या करते हैं ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इनको असल में ज़िंदा रहने में, फूड तलाश करने में यानी अपनी ग़िज़ा तलाश करने में, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं ये स्पेशल बॉडी पार्ट्स। बर्ड्स के पास क्या होता है, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, अब बर्ड्स जो हैं यानी परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ते हैं ना, तो वो किसकी मदद से उड़ते हैं विंग्स की मदद से, सही। उनके पास विंग्स होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद देते हैं। दे हैव बीक्स टू कैच वर्म्स, इनके पास क्या होती है चोंच होती है जो इन्हें क्या करती है कीड़े मकोड़ों को पकड़ने में हेल्प करती है। एंड ईट ग्रेन एंड सीड्स, और वो क्या खाते हैं दाना और जो बीज वगैरह होते हैं ना उनको खाते हैं, सही। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं डग्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम, सही। तो ये जो बत्तख है और ये जो मेंढक है इनके पास असल में क्या होते हैं वेब्ड फीट होते हैं। वेब फीट से क्या मुराद है, वेब फीट ऐसे होते हैं जो कि ना पानी में भी तैरने में क्या पानी में जो है वो स्विम करने में असल में इनको क्या करते हैं हेल्प कर रहे होते हैं। तो इनके जो फीट होते हैं वो असल में क्या होते हैं वेब्ड होते हैं, सही। यानी कि इनमें बीच में गैप नहीं होता, इनके जो फीट होते हैं ना वो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनकी उंगलियाँ। द
तो इसलिए जो बत्तख है और जो मेंढक है इनके पास जो है वो असल में वेब फीट इनको क्या करते हैं, पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अजराफे हैज़ अ लॉन्ग नेक, एक जो जराफे होता है उसके पास क्या होती है, लंबी सी गर्दन होती है। वो गर्दन क्या करती है, इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज़। ये असल में इस लंबी गर्दन की मदद से क्या करता है, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना उनके पत्ते खाने में उनको आसानी में मदद दे रहे होते हैं। ठीक है, ओके। योर होमवर्क इज़ रीड चैप्टर एनिमल्स पेज नंबर 32 एंड 33। ऑल्सो राइट ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ चैप्टर एनिमल्स इन योर साइंस कॉपी नीट एंड क्लीन। काइंडली काम करने के बाद इसकी पिक्चर जो है वो आपने स्कूलोजी पे यानी डिस्कशन बॉक्स में अपलोड करनी है। ठीक है, सो दिस इज़ योर ट्रू फॉल्स पेज। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, सही। बर्ड्स जो होते हैं उनके पास उड़ने के लिए क्या है, उनको विंग्स होते हैं यानी कि उनके पास पर होते हैं, सो इट इज़ ट्रू। और लायन ईट प्लांट्स, जो शेर है वो क्या पौधे खाता है, नहीं ना, तो फॉल्स है ये। जिराफे हैज़ अ लॉन्ग नेक, जिराफे जो उसकी लंबी गर्दन होती है, सही, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। काव इज़ अ वाइल्ड एनिमल, जो गाय है वो एक वाइल्ड एनिमल है यानी वो जंगल में रहने वाली, नहीं ना, वो तो पेट एनिमल में आती है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज, परिंदे जो हैं वो अपने घोंसले का बनाते हैं दरख्तों पे, इट इज़ ट्रू। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, नेम सम एनिमल्स विच हैव शार्प टीथ। ऐसे एनिमल्स के नाम बताएं जिनके जो दांत होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, जैसे टाइगर, डॉग और लायन। ये तीन एनिमल्स जो हैं ऐसे हैं जिनके दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, तेज़ होते हैं बहुत। नंबर 2, वेयर डज वाइल्ड एनिमल लिव, कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स रहते कहाँ हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड जंगल, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, सही, और जंगल वगैरह में रहते हैं। तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स इनको कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। वाट आर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स विद 6 लेग्स। इंसेक्ट्स जो हैं बहुत ही छोटी छोटी मखलूक हैं जो कि जिनके पास क्या होती हैं, 6 टांग होती हैं। 6 टांगों वाली जो मखलूक होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े, वो इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, सो आज का आप लेक्चर आपका यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।